दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं भी इस टीम प्रेस को यूज कर करके हो गया हूं परेशान एक समस्या से दोस्तों, और मेरे तरीके की आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों सारी समस्या का जड़ ही है टेफ्लॉन सूप, आप भी इस्तेमाल करते होंगे। आप देखते होंगे दोस्तों कि जल्दी जल्दी से दोस्तों यह सूज खराब हो जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ करके जो सिलिकॉन प्लास्टिक ये है उखड़ रही दोस्तों, ये हर महीने दो महीने में दोस्तों ये खराब हो जाता है, और ये कोई सस्ता भी नहीं आता, 10-20-50 रुपये नहीं आता, ये 200-250 रुपए के बीच में आता है। और इतनी जल्दी जल्दी अगर दोस्तों ये खराब होगा तो कैसे काम चलेगा। 200-250 में तो दोस्तों देखिए इस तरीके की प्रेस ये दो बार लेंगे उतने बार में एक ये प्रेस आ जाएगी चलती है। लेकिन दोस्तों इससे क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए टेफ्लॉन सूप हम लोग यूज करते हैं। अब इस समस्या से निपटने के लिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये अंदर स्टील की जाली होती है, ठीक है, और उसके ऊपर ये सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, जो कि ज़्यादा हीट होने पर ये सिलिकॉन की परत खराब हो जाती है। तो आज मैं मार्केट में इसी को लेने गया था तो इसी का एक तोड़ आ गया, मैं आपको देना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास टोटली प्लास्टिक का ही है, सिलिकॉन का। तो अब ये स्टील की जो अंदर जाली थी वो लगी नहीं है, डायरेक्टली प्लास्टिक पर है। मुझे लगता है दोस्तों ये काफ़ी दिन चलेगा, और ये इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज की तारीख और डेट मुझे इस वीडियो में मिल जाएगी। जब भी ये खराब होगा तो मैं देखूंगा कि ये कितने दिन तक हमारे पास यूजबल रहा है। इसको मैंने ओपन किया दोस्तों, इसमें इस तरह की दो तरह की स्प्रिंगें हैं, दो स्प्रिंग इसमें, और ये पूरा सिलिकॉन का ही है, पूरा प्लास्टिक का ही है। और इसमें दो साइड ये छल्ले दिए हुए हैं, यहाँ पर शायद यहीं पे स्प्रिंग लग जाएंगी। आइए इसको लगा कर देखिए, इसको किस तरीके से लगाना है। दोस्तों मेरे पास ये दो स्प्रिंग हैं, इस स्प्रिंग को जो ये इसमें स्टेप दिए हैं इसमें फंसा लेते हैं इस तरीके से। देखने से दोस्तों लग रहा है कि ये काफ़ी दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इसको हम एक साइड इसमें और एक साइड इसमें फंसा लेते हैं। स्प्रिंग का मुंह ज़्यादा ओपन है तो बार बार निकली जा रही हैं, फिर इसको हम फंसा के रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, और इस तरीके से प्रेस को यहाँ पर रख देते हैं बीच से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्प्रिंग को खींचकर हैंडल के नीचे से साइड से यहाँ से निकालना है, और जो साइड का स्ट्रिप है इसमें इस तरीके से फंसा देना इसको। ये वन साइड हमारा लग गया, इसी तरीके से हमें दूसरा साइड भी करना है। दूसरे साइड में दोस्तों क्या है कि मुझे लग रहा है कि क्रॉस अगर फंसाएं हम तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, ठीक है। इस चीज को हम क्रॉस ले लेते हैं, ये क्रॉस ज्यादा बेटर रहेगा। और देखिए इस तरीके से उधर क्रॉस कर लिया, और इस तरीके से इधर भी क्रॉस कर लेते हैं। मुझे लगता है क्रॉस से जो है ज़्यादा आसानी रहेगी और हमारी स्प्रिंग भी अच्छे से टाइट रहेगी। दोस्तों ये देखिए, हाँ ये देखिए आसानी से ये लग गया है। दोस्तों अभी देखना है कितने दिन तक ये यूज़ होता चलता है हमारा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको आसानी से लगा दिया है, और आज की हम इस वीडियो के द्वारा जान पाएंगे कि कितने दिन तक हमारे पास ये यूज़ रहा। और ये देखिए दोस्तों, ये अभी मैंने मुश्किल से मुझे एक महीना हुआ होगा इसको बदले हुए, और ईद से पहले मैंने बदला था, और देखिए क्या हाल हो गया इसका। अब ये मेरे कोई काम का नहीं है, इसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप भी इस तरीके का मंगा सकते हैं, ये भी मार्केट में इसी प्राइस में 220 का मैं ये लेके आया था, 220 का ये भी मिला मुझे। अब मुझे देखना है कि ये ज़्यादा दिन तक चलता है कि ये वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।